याद रहे, इस दुनिया का एक अजीब तरीका है रास्ता दिखाने का। तुम्हें उस जगह हमेशा पहुंचा देगा जहां तुम्हारी जरूरत होगी। आओ फिर शुरू करें। बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी का कहना है कि हॉलीवुड फिल्म मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल हिंदी संस्करण के लिए डबिंग करना आसान नहीं था। सिद्धार्थ और सान्या मल्होत्रा को हॉलीवुड फिल्म के हिंदी वर्जन में मुख्य किरदारों को आवाज देने का मौका मिला। उन्होंने क्रिस हेम्सवर्थ द्वारा निभाए गए किरदार को आवाज दी, जबकि सान्या ने अभिनेत्री टेसा थॉम्पसन के किरदार को आवाज दी है। सिद्धांत ने एक प्रेस इवेंट में बताया कि हेम्सवर्थ के किरदार को आवाज देना शानदार अनुभव था, उनकी आवाज बेहतरीन है, ऐसे में उनके किरदार को आवाज देना मुश्किल चुनौती थी। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने भारतीय दर्शकों के लिए इसमें भारतीयता का पूट डाला है, यह एक मजेदार फिल्म होगी। बता दें कि सिद्धांत फिल्म गली बॉय में अपने बेहतरीन अभिनय कौशल का दम दिखा चुके हैं। हेम्सवर्थ की फिल्म मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल भारत में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया 14 जून को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।